आज यहाँ पर सर जी से बात करने का मकसद, सर जी कुछ एक्सपोज करना चाहते हैं, पता नहीं क्या एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर आप क्या एक्सपोज करना चाहते हैं? नमस्कार दर्शक बिंद, मैं योगेन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। आज आप लोग को प्रैक्टिकल खबर का जितना भी व्यूअर्स है, आप लोग के लिए मैं एक नया खबर लेके आया हूँ। दर्शक बिंद, आप तो जानते हैं कि खबर तो बहुत तरीका का होता है, राजनीतिक, सामाजिक, बहुत तरीका का खबर होता है, लेकिन आज मैं एक यूनिक खबर लेके मैं आपके पास आया हूँ। खासतौर से आज वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी का ऐसा जगह सेठ श्रीलाल मार्केट, जो हंगंग मार्केट का बगल में पड़ता है, ये भवन, विजय भवन का एक छोटा सा रूम में एक फेमस या एक गुड पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वैसा तो ये सर को इंट्रोड्यूस कराने का तो ज़रूरी है नहीं, वो अपने आप में ही एक आइकॉन है, फिर भी मैं सर को प्रैक्टिकल खबर में मैं स्वागत करता हूं। सर आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रैक्टिकल खबर को बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। सर आपको भी थैंक यू सो मच। अच्छा सर, प्रैक्टिकल खबर को आप बुलाएं, हम लोग को रेस्पेक्ट दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो सर, हम लोग सुने हैं आपके बारे में कि आप फिल्म जगत के लिए या सामाजिक काम के लिए बहुत एग्रेसिव टाइप का या सोशल वर्कर की तरह आप पेश आते हैं, तो प्रैक्टिकल खबर का टीम आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत दिन से तरस रहा था, तो आप थोड़ा परिचय दीजिएगा सर। सर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल खबर को बहुत 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 मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे पास आप आए हो एक न्यूज़ करने के, न्यूज़ तो नहीं, कुछ इशूज है उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज। तो मेरा नाम शंकर घोष है और मैं सिलीगुड़ी का निवासी हूँ और आज बात करते हैं कुछ। अच्छा सर, बात शुरू करने से पहले आपका थोड़ा, क्योंकि आदमी का एक इमेज भी मायने रखता है तो आपके बारे में मैं पर्सनली, मेरे प्रैक्टिकल खबर का टीम, आपका थोड़ा इमेज हो गया, माइंड मत कीजिएगा। नहीं, ओके, ठीक है ना। और आप कैसे फिल्म जगत से आज रिलेटेड है, सोशल काम के लिए कैसे रिलेटेड है, और आपका प्रोफेशनल या आपका बिजनेस थोड़ा दर्शक बिन को बताइएगा। सर ऐसा है कि हमारा जो बिजनेस है या फिर हम जो हैं, जी हम एक होटलियर हैं, जी तो सिलीगुड़ी के एक्चुअली बहुत पुराने लोग हैं, जी और ऐसा है कि हम इस इंडस्ट्री से, तो मेरे दूर दूर तक मेरे घर में कोई नहीं था, बट मैं ही हूँ पहला, क्योंकि मेरा एक अलग सा कीड़ा है इस इंडस्ट्री के साथ। तो आप जैसे कि मुझे आपने पूछा कि सोशल, मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, मेरे जितने सामर्थ होती है मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ मैं। और जो लोग सोशल वर्क करते हैं ना, उनको भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, या लोग काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। ऐसे ही कुछ है जो मैंने एक्चुअली नॉर्थ बंगाल में कुछ ऐसे काम है जो मैंने स्टार्ट करा है। जैसे कि आपको पता है कि एक नॉर्थ बंगाल कल्चरल अवार्ड एक शो होती है, ये मेरा मतलब एक ड्रीम था, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, तो ड्रीम प्रोजेक्ट था तो मैंने स्टार्ट करा इसको भी। तो भगवान का आशीर्वाद से, आप सबका आशीर्वाद से, मेरे चाहने वाले के माँ बाप का आशीर्वाद से ये जो इवेंट है मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और हर साल सर हम एक आर्टिस्ट को, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आर्टिस्ट को, सर मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो मेरे शो में हमेशा हर जॉनर के आर्टिस्ट आते हैं। अच्छा। जैसे कि सर मैं आपको गिनाऊंगा तो शायद आप समझ जाओगे, जैसे आर्टिस्ट कौन होते हैं। आर्टिस्ट सर सिर्फ फिल्म बनाने वाले आर्टिस्ट नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगर आर्टिस्ट नहीं होता है ना, आर्टिस्ट बहुत तरीका का लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सिलीगुड़ी में जब मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, मुझे करना है नॉर्थ बंगाल को लेकर के ना सर, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि मुझे करना है तो कैसे करूं मैं नॉर्थ बंगाल कल्चरल अवार्ड, ठीक है, कल्चरल में मैं पूरा कल्चरल को जोड़ता हूं, नॉट ओनली फिल्म। आपका बात काटते हुए, आप मैंने इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं सर, जी आज प्रोड्यूसर भी है आप साइड, डायरेक्टर भी है जी, जी। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आप अगर कर चुके हैं तो अभी तक कौन कौन सा मूवी बनाए? मूवी तो सर मेरा एक ए हृदय लेखा तूर नाम एक फिल्म है, बंगाली मूवी,
जो कि मेरे जो सोर्स होते हैं ईस्ट इंडिया फैशन के, उसी का जो विनर थे उन लोगों को लेकर ही मैं बना रहा था। तो दो गाने शूट ऑलरेडी हो चुकी है, मैं सीन में घुसने ही वाला था, उसके बाद लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के बाद तो अभी इतना ना पोजीशन खराब है कि अभी तो मतलब बनता ही नहीं मूवी बनाना, तो वो सो सकते हो पेंडिंग पड़ा हुआ, देखें अभी उसको बनाते हैं या नहीं बनाते नहीं मालूम। सर मैंने व्यक्तिगत रूप में मैंने सीरियल्स बहुत बनाई है, टीवी सीरियल सर मैंने जैसे कि भूल निर्णय बोल के बनाया, परिवर्तन बोल के बनाया था, ये एपिसोड वगैरह आती थी ठीक है, और भूत का भी बहुत सारा मैंने सीरियल बनाया था ठीक है। तो ये कुछ तो सर आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं तो सर 8 साल तो हो ही गया, 8-9 साल तो हो ही गया, जो सैटेलाइट चैनल हुआ करता था हम लोग उत्तर बंगला चैनल में मेरा सीरियल चलता था, हाफ एन आवर का स्लॉट खरीदता था मैं, खरीद करके जो सर मैं उसमें चला रहा था, हाफ एन आवर का स्लॉट खरीद मेरा सीरियल वगैरह उसमें चलता था, ऐसे हाई टीवी जो था उसमें चल रहा था मेरा सीशन विनोदन वगैरह तो हर जगह चल रहा था, मतलब मैंने एज ए टीवी सीरियल्स मैंने बहुत बनाया, मूवी में घुस रहा हूँ। अच्छा दर्शक बिंद आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड सोशल वर्कर मिस्टर शंकर घोष। एक्चुअली आज यहाँ पर सर जी से बात करने का मकसद, सर जी कुछ एक्सपोज करना चाहते हैं, पता नहीं क्या एक्सपोज करना चाहते हैं लेकिन सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर आप क्या एक्सपोज करना चाहते हैं? सर एक्सपोज मुझे करना है इस चीज़ को लेकर के है, अभी जो बायकॉट वाली जो कहानी चल रही है ना कि फिल्म बायकॉट, फिल्म इंडस्ट्री का, हाँ जी, बॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है, मैंने बहुत दिन से देख रहा हूँ कि ये चीज़ चल रहा है ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट ऐसा है आज बॉलीवुड क्यों नहीं चल रहा है ठीक। बॉलीवुड हमारा हिंदुस्तान का बहुत अहम किरदार है बॉलीवुड मूवीज, सही बात क्योंकि बॉलीवुड ही है ठीक है। आज लोग साउथ के साथ इसका तुलना कर रहे हैं, बॉलीवुड के साथ साउथ को तुलना कर रहे हैं, साउथ का मार्केट अगर इतना है तो बॉलीवुड का मार्केट इतना बड़ा है ठीक है। तो इतना बड़ा मार्केट को इसने खा गया, क्यों खाया, रीजन क्या है? सर मैं बताता हूँ आपको, आज कहीं ना कहीं इसका जो बोलते हैं ना जो दोषी है, जो गलती करा है वो बॉलीवुड ने ही करा है। कैसे करा है मैं आपको बताता हूँ। आज बताइए सर आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में अच्छे डायरेक्टर नहीं है, अच्छे कंटेंट नहीं है? सर ये अगर कोई सोचते हैं ना कि बॉलीवुड, बहुत लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छे फिल्म नहीं बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं, पर मैं बोलना चाहता हूँ सर बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट है, बहुत 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 अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन उन लोगों को काम मिलना चाहिए, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सर देखिए आज एक प्रोड्यूसर पैसा लगाता है ठीक है, कुछ सोच के पैसा लगाता हो है ना, कि आज एक मूवी बनाएगा उसके लिए 2 पैसा का इनकम होना चाहिए, 2 पैसा का उसका इनकम होना तो ही 2 पैसा लगाएगा, वरना क्यों लगाएगा वो पैसा, सही बात है ठीक है। लेकिन आज का डेट ऐसा हो गया है कि एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, सेंसर भी करा लेता है, लेकिन ये बेचारा हॉल रिलीज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड में सर कुछ मूवी माफिया वगैरह बैठे हुए हैं, मूवी माफिया ही बोलते हैं एक्चुअली इन लोगों को सर। अच्छा, जो अपना मोनोपोली चलाते हैं, मोनोपोली एकदम जो भी करना है करते हो। अगर 5 फिल्म है रिलीज के लिए, अगर कोई बड़ा बैनर का फिल्म आता है तो पहले उस फिल्म को प्रायोरिटी दिया जाता है, पहले यही फिल्म रिलीज होगा। अच्छा सर, आपका बात को थोड़ा मैं विराम लगाते हुए, जैसे कि आप माफिया जो बोले, पायरेटी वाला जो बोले, ये तो इलीगल है ही, तो इसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन या कोई नियम कानून ऐसा कुछ है नहीं? सर देखिए आज एक बात बताता हूँ मैं सरकार को लेकर के, तो सरकार इसके साथ कितनी टच में है ये तो मैं नहीं बोल सकता आपको ठीक है, और सरकार का लुकआउट है भी या नहीं मुझे नहीं मालूम ठीक है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि हर एक इंसान को ना जगह दीजिए, सबको लेकर चलिए ना सर, तो मज़ा देखिए, अच्छा कंटेंट भी आएगा, अच्छा स्क्रिप्ट भी आएगा, अच्छा मूवी लोगों के पास जो प्रोड्यूस होगा, लोग देख सकेंगे हाँ बॉलीवुड फिल्म बना रहा है। अच्छा, ये जो माफिया जो आप बात बोले, इसका मेन दोषी किसको मानते हैं, सरकार को या सिस्टम को या पब्लिक को? सिस्टम को सर, पब्लिक तो भगवान होती है, सिस्टम को सर। अच्छा, और एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसा कि आपका ये योगी जी जो यूपी का सीएम है, योगी जी भी बोले थे कि फिल्म इंडस्ट्री यूपी एरिया में वहाँ पर एक नया बिल्ड किया जाएगा, तो इसका बारे में आपको कुछ कहना है? नहीं, मैंने सुना था योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर यूपी में अगर एक फिल्म इंडस्ट्री बनाते हो ठीक है,
तो एक यूपी के लिए बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री होगा ये, और बहुत अच्छा एक मार्केट का जरिया है, क्योंकि देखिए यूपी में बहुत लोगों को काम मिलेगा, बहुत लोग काम कर सकते हैं। तो योगी जी अगर ये सोचते हैं तो ये उनका सोच बहुत अच्छा है। अच्छा, साउथ का मूवी हो गया और इधर का हो गया आपका बॉलीवुड का मूवी, अभी कंपटीशन जैसा चल रहा है जी, बिल्कुल, तो साउथ का मूवी थोड़ा ऊपर पल्ला भारी ऐसा ही जी, पब्लिक का सामने सब है ये, ठीक है ना, तो इसमें क्या चीज का कमजोरी आप मानते हैं? सबसे पहली बात तो होगा वीकनेस। हाँ जी, समय बताता हूँ आपको क्या होता है ना, साउथ इंडियन मूवी जो है, देखिए अगर मुझे अगर बोलेंगे व्यक्तिगत रूप में साउथ इंडियन मूवी अगर तुमको कैसा लगता है, मेरे को बकवास लगता है। अच्छा, बकवास क्यों लगता है? खास करके हिंदी में देखते हैं तो हम, क्योंकि साउथ तो हमको समझ में आती नहीं है, जो उनके लैंग्वेज में देखेंगे हम, ठीक है। एज ए मैंने डायरेक्टर के तौर पे अगर मुझे बोलेंगे आप कि शंकर ये मूवी चल रहा है, इस मूवी का जो तुमको कैसा लगा, अच्छा लगा तुमको, भाई बकवास मैंने आपको इसलिए बोला, मैंने वो अपने जब लैंग्वेज में करते हैं ना सर, उसमें वो परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब डबिंग में आते हैं ना, जब डब करते हिंदी में, लिप्स वाला लिपसिंग वाला, तब हो जाता है बकवास। बकवास क्यों होता है? अभी स्क्रिप्ट तो उन लोगों का एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो एक वे में लिखे उन लोगों ने कि हाँ साउथ में बोलना है, तो एक आर्टिस्ट का क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट को डायलॉग कर दे रहा होता है ना, उस वक्त क्या होता है कि वो ना अपना लैंग्वेज में जब बोलता है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसको बोलने में बहुत मजा आता है, वो अच्छा उसका प्रेजेंटेशन, उसका थ्रोइंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी को अगर हम हिंदी में डब करते हैं, हिंदी में स्क्रिप्ट करते हैं, सेम लैंग्वेज तो लिखना तो आपको सेम पड़ता है, राइटिंग तो लेखी, देखिएगा कहीं ना कहीं लिपसिंग का जो प्रॉब्लम होती है, वो तो होता ही है, वो तो पब्लिक, और मुझे पता है कि ये बंदा लिपसिंग कर रहा है, जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है, ये बंदा कर रहा है, तो सर मजा ही नहीं आता है, बिल्कुल मजा नहीं आता है। अच्छा,